नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट इन स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास अपडेट में आपका स्वागत है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में 2-1 से हराकर इतिहास रच दिया और इसके हीरो रहे चेतेश्वर पुजारा, मयंक अग्रवाल, ऋषभ पंत और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। और मयंक अग्रवाल को लेके एक बड़ी खबर यहाँ पे सामने आ रही है। मयंक अग्रवाल ने एक बड़ा बयान दिया है भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग को लेके। मयंक अग्रवाल ने भारत के तीसरे टेस्ट मैच में जो मेलबर्न में खेला गया बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में यहाँ पे डेब्यू किया था, क्योंकि पहले जो दो टेस्ट मैच खेले गए वहाँ पे ओपनिंग जोड़ी फेल रहे थे। केएल राहुल और मुरली विजय पहले दो टेस्ट मैच में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे। दूसरे टेस्ट मैच में तो दोनों ही बल्लेबाज यहाँ पे फ्लॉप रहे थे और भारतीय टीम को यहाँ पे एक ओपनर की ज़रूरत थी, क्योंकि पृथ्वी शॉ टेस्ट मैच शुरू होने से पहले चोटिल होकर बाहर हो गए थे और भारतीय टीम ओपनिंग जोड़ी से जूझ रही थी और मयंक अग्रवाल को यहाँ डेब्यू करने का मौका मिला। मयंक अग्रवाल ने पिछले साल 2018 में रणजी ट्रॉफी में कमाल की बल्लेबाजी की, 50 की औसत से रन बनाए, 13 शतक जड़ा रणजी ट्रॉफी में और कड़ी मेहनत के बाद इनको टीम इंडिया में डेब्यू करने का मौका मिला। 27 साल के मयंक अग्रवाल ने जब बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में अपना डेब्यू मैच खेला तो पहले ही इनिंग में उन्होंने 76 रनों की पारी खेली। उसके बाद दूसरी पारी में यहाँ पे 77 रनों की पारी खेली। कमाल की बल्लेबाजी करते नजर आए। मयंक अग्रवाल फॉर्म में थे और उसके बाद हर तरफ इनकी वाहवाही हुई और इनकी तुलना सहवाग से की जाने लगी। अब जब ये यहाँ इंडिया वापस आ गए हैं तो मयंक अग्रवाल ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि मैं अगर सहवाग की तुलना में आधा भी कर पाऊँ जितना उन्होंने मुकाम हासिल किया है, भारतीय क्रिकेट में एक बड़ा नाम है सहवाग और उन्होंने भारतीय टीम में जितना मुकाम हासिल किया, अगर मैं उनका आधा भी कर पाऊँ तो मैं बहुत खुशनसीब हूँगा। ये बड़ा बयान मयंक अग्रवाल का है, क्योंकि मयंक अग्रवाल के जो कोच हैं उन्होंने जब उन्होंने डेब्यू किया था तो मयंक तुलना की थी और कहा था कि सहवाग की झलक दिखाई देती है मयंक अग्रवाल में। जाहिर सी बात है, कोच अपने खिलाड़ी की तारीफ करेंगे ही और उनके कोच ने एक बात और कही थी कि मयंक अग्रवाल सहवाग से भी ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी हैं, वो सहवाग की तरह अपना विकेट थ्रो करके नहीं जाते। लेकिन यहाँ पे मयंक अग्रवाल ने अभी डेब्यू किया है, अभी लंबा सफ़र है मयंक अग्रवाल का, देखना होगा कि आगे इनका टेस्ट फ्यूचर कैसा रहता है। दो टेस्ट मैच खेले इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और दोनों ही टेस्ट मैचों में कमाल की पारियाँ खेली, 76 रन 77 रन ओपनिंग जोड़ी ओपनिंग के तौर पर बनाया और पहले ही टेस्ट मैच में 8 शतक जड़ा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और इसके साथ ही रिकॉर्ड्स भी बना दिए। अब देखना होगा कि मयंक अग्रवाल का अगला फ्यूचर कैसा होता है, जो अगला टेस्ट मैच वो खेलेंगे भारतीय टीम के लिए उसमें कैसा प्रदर्शन करते हैं और क्या भारत को दूसरा सहवाग मयंक अग्रवाल के रूप में यहाँ देखने को मिलेगा या नहीं। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। आप हमारे नेक्स्ट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।